सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये कथा सुनी ना आप लोगों ने। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की। तो आज उसी कथा में, उसी पुस्तक में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। हाँ या ना? अब बताओ कि आज उसे दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि आज उसका उद्देश्य कुछ और था। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। क्या है ये? इस कथा से मैं इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। कमाते आप भी हैं पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कमाता अनिरुद्धाचार्य भी है, लेकिन हम कमाते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, लेकिन अपने लिए नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, उनको रहना, खाना, दवाई सब फ्री। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उन बच्चों के लिए आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाओ। अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए। मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए। भाव होना चाहिए सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। हे प्रभु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी, बात सही है। तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया? राष्ट्र के लिए क्या किया? माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते हैं केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। तो ये सारी विचारधारा कहां से आएगी?
अच्छा बताओ, बैठे बैठे इतनी देर में कितनों का विचार बदल गया कि अब हम इसलिए कमाएंगे? सच्ची बताओ, किसका बदला इतनी देर में? यही है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? नजरिया बदलता है। अभी अभी इतनी देर में आपका नजरिया चेंज हो गया। कुछ नहीं किया ना, एक इंजेक्शन लगा ना, एक टैबलेट खाई आपने, विचारधारा बदल गई। सत्संग जरूरी है। आज के यूथ को सत्संग जरूरी है। यदि आज के नौजवान बच्चे सत्संग करते तो वो गलत विचारों में नहीं, एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा के साथ वो जीवन को जी रहे होते। प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी अपना नजरिया बदलिएगा। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? नजरिया बदलने के लिए। बिना सत्संग के लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के ये विचारधारा नहीं आ सकती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। एक बार मेरे साथ बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। आप भी पैसा कमाना कल से, पर इसलिए कि आपको भी उस पैसे का कुछ समाज की सेवा में सहयोग के रूप में खर्च करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप भी एक जरा सा सहयोगी बनकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। सत चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? मैया आप बताओ, पीली मैया, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा है या नहीं? भैया आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया नहीं, चश्मे वाले भैया आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीले भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। चश्मे वाले भैया आप बताइए, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया पीली, आपने भगवान को देखा? नहीं। ये बूढ़ी मैया हमारी माँ, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? हाँ या ना? आपने मैया देखा? हाँ या ना? आपने 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 भगवान को देखा बेटा? नहीं। आपने? नहीं। आपने? नहीं। आपने? आपने? नहीं। आपने? हाँ कि ना? पीछे भैया, ईश्वर को आपने देखा, हाँ या ना? ना। 99% लोग कह रहे हैं ना, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ टोपी वाले भैया, आप कभी मंदिर गए हैं? गए? आपके आसपास मंदिर होगा? गए होंगे? तो मंदिर गए थे तो किसको देखने गए थे? जोर से, मंदिर में आपने किसको देखा था? भगवान की मूर्ति को? भगवान को नहीं देखा?
मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति को देखा, भगवान को नहीं देखा, तो भगवान और भगवान की मूर्ति अलग अलग है क्या? आप और आपकी मूर्ति, जैसे आप हैं तो आप भी तो अभी मूर्ति के रूप में ही हैं। मंदिर में मूर्ति और भगवान, आप सब लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो, किसे देखने जाते हो? देखो, जिसे आप कहते हैं मूर्ति, यदि आपकी भावना में यदि वो मूर्ति है तो फिर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मूर्ति देखने क्या जाएं भाई। मूर्ति देखने हम मंदिर तो जाते नहीं है, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। जब आपके मन में ये बात भर जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान यही है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, मानने की बात। माना कि दो लड्डू हैं, माना कि पांच लड्डू हैं, जिसमें दो हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? जोर से, कितने बचे? माना कि पांच लड्डू हैं, दो मैंने खा लिए, कितने बचे? अब बताओ लड्डू हैं क्या? लेकिन उत्तर सही आया, नतीजे पर पहुंच गए, लड्डू है नहीं पर परिणाम सही आया। इसी तरह माना कि लड्डू है तो मान लेने से यदि लड्डू को यदि समाधान तक पहुंच गए, तो मान लेने से मूर्ति को भगवान मान लेने से आप समाधान तक तो पहुंच ही जाएंगे। उलझन तब तक है जब तक माना नहीं गया, उलझन कब तक है जब तक माना ना जाए भाई। गणित तो माना की इसी में चलती है, पूरी गणित इसी पर टिकी है, माना की, हाँ या ना? और बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की से, हाँ या ना? बस गंगा माता है किसके लिए? आप गंगा को नदी कहते हैं कि माता? गंगा माता है कि नदी है, बोलो। हनुमान जी बंदर हैं कि शंकर हैं? हाँ, हाँ, पर हनुमान जी तो बंदर रूप में दिखते हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर का रूप है। गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। उसी तरह भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में है। गाय पशु नहीं है, गाय कौन है? जोर से, गाय पशु नहीं है, पशु के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में है। बिहारी जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में। इसलिए आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा है आप सबने भगवान को देखा है। बताओ दुर्योधन ने कृष्ण को देखा था या नहीं? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा या नहीं? देखा। क्या दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? क्यों नहीं किया? देखा तो था। ऐसे ही आप लोग हैं, आप सबने भगवान को देखा तो है, पर भगवान को भगवान के रूप में नहीं, एक पत्थर की शिला के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें भगवान का कसूर नहीं है। कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान पाया,
इसमें कृष्ण का दोष नहीं है, इसमें दुर्योधन का दोष। अर्जुन तो पहचान गए ना, कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं अर्जुन बनना पड़ेगा भैया। मंदिर में भगवान है, मंदिर में पत्थर देखने वाले तो बहुत होते हैं, मंदिर में मूर्ति देखने वाले बहुत होते हैं, पर मंदिर में भगवान को देखने वाला कौन हो सकता है? मंदिर में भगवान को देखने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है, तोड़ा पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, तो खम्भे से कौन आया? नरसिंह भगवान। यदि प्रहलाद के विश्वास के बल पर खंबे से भगवान प्रकट भए, तो तुम्हारे विश्वास के बल पर उस मूर्ति से क्या कृष्ण प्रकट नहीं होंगे? कमी मंदिर की नहीं है, कमी मूर्ति की नहीं है, कमी हमारी श्रद्धा की, आस्था की। हाँ या ना, समझ में आया कुछ के नहीं? क्या चश्मा वाले भैया, क्या समझ में आया? भगवान को आपने देखा है कि नहीं? अभी तो कह रहे थे नहीं देखा, अब देख लिया इतने जल्दी। लोग कहते हैं ना, सत्संग में क्या रखा है देख लो, पल भर में 5 मिनट में आपने अपने बयान बदल दिए। लोग कहते हैं ना, सत्संग में क्या रखा? ये रखा, ये ताकत है सत्संग की, कि आपकी सारी गलतफहमी को समाप्त करके 5 मिनट में आपके दिमाग का कचरा बाहर। ये ताकत सत्संग की है। लोग कहते हैं ना, सत्संग क्यों जरूरी है? आप समझ में आया कि हम कितने अज्ञान में होते हैं, कितना कचरा भर रखते हैं दिमाग में। सत्संग करने से चुटकियों में चीजें ठीक होती हैं, सही है? इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की आप कितना पढ़ लो भैया, कितनी भी यूनिवर्सिटियां घूम लो, कितना भी डिग्रियां ले लो, जो सत्संग सिखा सकता है वो धरती की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए सठ सुध रहे सत्संगति पाई। कैसा भी हो, सत्संग पाके लोग सुधर जाते हैं, सवर जाते हैं।